हेलो फ्रेंड्स, मैं पिंकी आपका स्वागत करती हूँ ब्यूटी स्ट्रीम्स में। क्या आपको भी कड़ी धूप में सफ़र करने से सनटैन की प्रॉब्लम हो गई है? अगर हाँ तो ये B10 पैक खास आप ही के लिए है। तो चलिए बताते हैं ये नुस्खा। सबसे पहले हम सरसों का दाना लेंगे। इस सरसों के दाने को हम मिक्सर ग्राइंड में या फिर सिल बट्टे पे आप पेस्ट की तरह पीस लें। तो मैंने ये पेस्ट पहले से बना के रखा हुआ है। इस फॉर्म में आप पेस्ट की तरह इसको बना के रख लें। अब हम इसमें बेसन डालेंगे आधा चम्मच। उसके बाद हम 1 से 2 चुटकी इतना हल्दी डालेंगे। अब हम इसमें शहद डालेंगे आधा चम्मच का। आधा हम शहद डालेंगे इसमें। ये चारों ही हमारे चेहरे पे पड़े सनटैन को रिमूव करने में हेल्प करता है और हमारे चेहरे को निखारने में भी हेल्प करता है और जो भी हमारे चेहरे पे दाग धब्बे पड़े हुए हैं उसको भी रिमूव करने का काम करता है। अब सबसे लास्ट में हम गुलाब जल ले लेंगे। इसमें डालकर हम आपस में मिक्स करके एक हम लोग गाढ़ा पेस्ट बना लेंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा गाढ़ा पेस्ट बनके तैयार है। इस पेस्ट के बन जाने के बाद आपको चाहे जहाँ भी सनटैन का प्रॉब्लम हो, चाहे हाथ में हो, चाहे चेहरे पे हो, गर्दन पे हो, जहाँ भी आपको सनटैन का प्रॉब्लम हो, आप इस पेस्ट को वहाँ पे लेप की तरह लगा लें। तो मैं अपने हाथ भी आपको लगा के बताऊँगी। तो चलिए बताते हैं। आप अपने फेस को पहले वॉश कर लें। वॉश करने के बाद ऐसे पैक की तरह इसको हम 15 से 20 मिनट तक लगाकर छोड़ देंगे। ऐसे पूरे चेहरे को या फिर जहाँ भी आपको सनटैन हुआ उसको हम पूरे अच्छे से कवर कर लेंगे। ऐसे हम अपने पूरे चेहरे को कवर कर लेंगे। 15 से 20 मिनट तक इसको छोड़ देंगे ड्राई होने के लिए। जब ये पैक सूख जाए तो हम पानी का छिट्टा मार के इसको 5 मिनट के लिए हल्के हाथों से ऐसे ऐसे धीरे धीरे इसको रिमूव करेंगे। 5 मिनट तक इसको ऐसे मसाज कर लेंगे। अच्छे से हम धीरे धीरे हाथों से पूरे स्किन पे हम अच्छे से मसाज कर लेंगे। 5 मिनट के मसाज के बाद हम अपने चेहरे को या हैंड को या गर्दन को वॉश कर लेंगे। हाथ 5 मिनट हैंड वॉश करने के बाद ये देखिए मेरा स्किन एकदम साफ़ हो गया है और मुलायम भी हो गया है। आप सिर्फ एक बार के यूज़ से सोचिएगा कि एक बार मैंने यूज क्या कर लिया तो मेरा सनटैन एक बार के यूज में ही ख़त्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है। आप कम से कम 3 से 4 हफ्तों तक अगर आप इसको यूज करते हैं तो आपका सनटैन पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। तो आप हफ्ते में इसको एक बार यूज कीजिए। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो हफ्ते में 1 से 2 बार, मतलब आप हफ्ते में 2 बार यूज कर सकते हैं इसको। आप पेशेंस के साथ इस रेमेडी को करिएगा। आपके अंदर पेशेंस रहेगा तो आपका सारा सनटैन ख़त्म हो जाएगा। आप एक बार में कोई जादू नहीं है कि वो ख़त्म हो जाए।
जब से आप 5-6 बार यूज नहीं करेंगे तब तक ये प्रॉब्लम आपकी, कोई भी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व नहीं हो सकती। जो नेचुरली चीज़ें हैं वो 5-6 बार के यूज़ से, 2-3 महीने के यूज़ से ही ख़त्म होता है। तब 5-6 बार के यूज़ से ही आपका देखेंगे कि सनटैन पूरी तरह से रिमूव हो गया है। पहले आप ट्राई कीजिएगा, अगर आपको ये नुस्खा अच्छा लगे तो शेयर, लाइक, कमेंट ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा ताकि आपको मेरे आने वाले जो भी मैं अपलोड करूँगा वीडियो आप तक पहुँच सके। थैंक यू।